फेवरेट साड़ी पहनी है। पापा ने देखा ही नहीं है। वैसे तेरी माँ हमेशा से खूबसूरत है। उसे खूबसूरत दिखने के लिए किसी एक दिन कोई खास साड़ी पहनने की जरूरत नहीं। क्या बात है पापा, आप तो शायर हो रहे हो। पता है कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी तेरी माँ। पापा लेकिन आपने ये बात मम्मी से पहले और कितनी लड़कियों से बोली थी? नहीं फर्स्ट एंड लास्ट। पापा ये वाला बाईपास लेते हैं, ये वाला रास्ता सीधे मंदिर से कनेक्ट होता है। ओके। टायर फट गया। ओफो। अरे ये सब भी अभी होना था। यहाँ आपकी गाड़ियाँ भी तो थर्ड क्लास है ना? टायर पूरा बैलगाड़ी टाइप का है। एक बजे के बाद दो घंटे तक मंदिर बंद रहता है, अब इतनी देर हम लोग क्या करेंगे? अम्मा कोई बात नहीं ना, हम यहीं रह जाते हैं, पिकनिक करेंगे। इसे हर चीज में मजाक सूझता है। देखिए गोविंद जी, अब आप हमारे जमाई होने वाले हैं, थोड़ी खातिरदारी भी हो जाए। तुम ये टायर बदलो जब तक हम लोग टहल के आते हैं। अंकल कनाडा में ना मेरा ड्राइवर करता है ये सारे काम। इट्स ओके, लेकिन यहाँ ना तो तुम्हारा ड्राइवर है और ना कोई मैकेनिक। ये देखिए, किसी ने यहाँ पर कांच फेंक के रखे हैं, इसलिए पूरा टायर बस्ट हो गया। अरे क्या हुआ, रास्ता भटक गया? रास्ते ने आप लोगों को भटका दिया। तुम गांव वालों ने पूरे कांच फेंक रखे हैं, हमारा पूरा टायर खराब हो गया है। गोविंद प्लीज तुम इनके मुंह मत लगो। क्यों, ऐसी क्या खराबी है हमें जो इस गधे के मुंह लग सकती है और हमारे नहीं? प्लीज प्लीज गोविंद प्लीज। देखिए भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, हम लोग वैसे ही प्रॉब्लम में है, हमारा टायर पंचर हो गया, आप प्लीज चले जाइए। अरे तो ऐसा बोलो ना बुड्ढे अंकल जी, हम है ना आपकी मदद करने के लिए। आप जाओ यहाँ से, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। जैसी गवार टाइप की आपकी लड़की है, बात करने की तमीज ही नहीं है इसको। ए माधव, अरे कहाँ मर गया बे? देख शहर से कबूतर आए ढेर सारे। अच्छी है ये वाली, मेरी और वो वाली तेरी। पापा पुलिस को फोन कीजिए। बोले अरे कोई फायदा नहीं है, डंडा नहीं आता यहाँ पे। मेरी मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है, कहाँ फंस गए हम लोग। मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तेरी पापा, तुम लोगों ने यहाँ पे कांच फैलाए थे। बदन काट दूंगा उसके चिंगी। पीछे रुक, नहीं तो काट डालूंगा तेरे को भी। ये मास्टर जी कहाँ मिलेंगे? सर स्कूल के पास, आइए ना। आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों। आइए सर। सर ये मास्टर जी हमारे। आप ही ने फोन किया था? हाँ सर मैंने ही फोन किया था सर, मैं एक स्कूल टीचर हूँ तो इसलिए सुबह सुबह विद्यालय खोलने आया
इस क्लासरूम से किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी सर। ये कौन हो रहा? कौन है? अरे कौन है, आवाज लगाओ। अरे जो भी है बाहर आ जाओ। कौन है सर? पहले तो बड़ा अटपटा लगा सर, क्योंकि इस गांव से कोई लापता है नहीं, और फिर एक महिला का मामला है, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया सर। कौन है अंदर? यहाँ से तो किसी की आवाज नहीं आ रही है। आ रही थी सर। मैं इंस्पेक्टर अविनाश हूँ, बाहर पुलिस आ चुकी है, आप सुरक्षित हैं, बाहर आ जाइए, डरिए मत। कौन हो आप? आपके साथ जो कुछ हुआ है हमें बताइए, जो भी गुनहगार हैं वो बचेंगे नहीं। सर, वो दो लोग थे। उनका वीडियो ने मेरे आंखों के सामने मम्मी पापा गोविंद सबको मार दिया। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई सर यहाँ के डिस्पेंसरी के डॉक्टर आ गए हैं, अगर इनको सबसे पहले वहाँ ले जाए तो इनके लिए बेहतर होगा। ठीक है, उन लोगों ने कहाँ पर हमला किया था? सर वो हाईवे के पास बाईपास आता है ना, वहीं पे। लेकिन सर वो तो यहाँ से काफी दूर है, लगभग आधा घंटा लगेगा। देखिए आपको हिम्मत जुटानी होगी, अगर आप घटनास्थल तक हमारे साथ चल सकें तो आपकी बहन मीना को जल्द ढूंढा जा सकता है। आप चाहें तो पहले डॉक्टर के। मैं चलूंगी। ठीक है। इस जगह कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी थी पंचर होकर। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, ना कांच के टुकड़े, ना लाश, ना कार का निशान। सर सब कुछ है ही घटाना सर। सर यहाँ पर तो किसी प्रकार के वारदात का कोई नामो निशान तक नहीं। लड़की शायद डर गई, ऐसे गलत फहमी हुई होगी। सर हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है इस जगह। सर यहाँ पर कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, और यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी क्योंकि पंचर हो गई थी, और यहाँ वो आदमी यहाँ से आया था सर, उसने वहाँ पर उसने गोविंद को मार दिया। सर एक आदमी यहाँ से आया था, उसने हमारे मम्मी पापा को इस जगह मारा था। सर अगर मान लेते हैं कि वारदात यहीं पर हुई थी तो हमें तो यहाँ पर कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिलने वाला था। एक और कोशिश करते हैं प्रमोद, इसकी बहन को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, उसे ढूंढ रहा बहुत जरूरी है। बैठो गाड़ी में। प्रमोद दरम।
अविनाश मेरे सीनियर्स की एडवर्स रिपोर्ट आई है तुम्हारे खिलाफ। लेकिन सर मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अविनाश तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा है। एक विक्टिम को अस्पताल में भेजने के बजाय तुम उसे साथ लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए निकले। व्हाट इज दिस? सर मेरे सामने एक विक्टिम जिंदा थी और दूसरे को बचाने की संभावना थी। मैं अपराध की जगह जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था ताकि दूसरे की जान बचा सकूं। 19 फरवरी को जो हादसा हुआ उससे उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। उसके डॉक्टर्स का दावा है कि उसकी ये हालत उसको मौका वारदात पर ले जाने से और ज्यादा बिगड़ गई। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर प्रोटोकॉल और नियम कभी कभी कार्यवाही में बाधा डालते हैं। कौन सी कार्रवाई अविनाश? अभी तक आपकी विक्टिम आशा ने थाने में एक ऑफिशियल कंप्लेंट तक दर्ज नहीं कराई। लेकिन सर गुनाह तो हुआ है। एक लड़की बाल बाल बची है और उसका पूरा परिवार गायब है। शायद उन्हें मार दिया गया। अविनाश जिस केस पर हमारे थाने में कंप्लेंट दर्ज नहीं है उस पर तुमने 2 दिन जाया कर दिए। देखो आशा मिश्रा अगर कंप्लेंट करने की स्थिति में होगी तो कोई दूसरा ऑफिसर इस केस को देखेगा। तुम जा सकते हो। सर क्या सर बहुत केसेस में बिजी हैं आजकल? सर के ऑर्डर्स हैं कि मैं तुम्हारा बोझ थोड़ा और हल्का कर दूं। अरे क्या सर, आप जैसा हाईफाई अफसर अब मामूली चोरी डकैती के केस सॉल्व करेगा? अच्छा नहीं लग रहा सुनकर। हाँ वो तो दिख ही रहा है। तो बताइए कौन सी फाइल पेश करूं? ट्रक हाईजैकिंग और कार रॉबरी के बहुत सारे केसेस हैं तुम्हारे पास। ऐसे केसेस जो हाईवे के पास हुए हैं उन सब की फाइल चाहिए मुझे। अभी लाता हूँ। भैया रिशा तुरंत पहुंचना है। अरे तू तो अभी से आया यार, मेरा नंबर है, हम मुझे लोग को ले जाने दे। सर हम लोग तो आपकी सेवा में ही हैं। लाइए ये बैग मुझे दे। नहीं भैया ये मैं अपने साथ ही रखूंगा। अच्छा आइए बैग बैठ बैठिए। हाँ रात होने से पहले पहुंचेंगे क्या? अरे मैडम आप चिंता मत कीजिए, ये बंदा आपको सुरक्षित पहुंचा देगा आपकी जगह पर। अरे भैया गाड़ी क्यों रोक दी? आगे गांव तक छोड़ देंगे क्या? जरा हाँ बैठो बैठो। धन्यवाद भाई। लेकिन ये आदमी कौन है? अरे आगे के गांव वाला है, 1 किलोमीटर आगे उतर जाएगा। अरे भैया गाड़ी क्यों रोक दी? जान प्यार ये तो जितना सामान है फटाफट निकाल। चल माल निकाल। भैया क्या कर रहे हो आप लोग? भाई जो पहले कर लेना चाहिए, जल्दी सामान निकाल। गले का नेकलेस। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अबे इतनी बात मत कर, चल माल निकाल जल्दी। निकाल जितना भी माल है सब निकाल। तो क्या कर रहे हो भैया? तुम दोनों को अपनी खोपड़ी प्यारी नहीं है? भोपाल पुलिस। हेलो हाउ डू यू डू? गरम एक मिनट सब। साहब कुछ नहीं, साहब मेरे कुछ नहीं किया। साहब 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 कब से कर रहा है ये सब? साहब लगभग 10 महीने से इस हाईवे पर जो भी पैसेंजर आता है मैंने उसको लूटा है साहब।
इसको पहचानता है? हाँ साहब, ये वही बुढ़िया है जिसने मुझे भरपेट भर भर के कोसा था। एक महीने पहले की बात है साहब, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। साहब, मैं तो इसके साथ सिर्फ एक हफ्ते भर से हूँ साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ए, चुप, बिल्कुल चुप। साहब बात कर रहे हैं ना, एकदम चुप रहने का। ए, प्रमोद, इतना क्यों डांट रहे हैं? हो गई गलती, चल छोड़। इसको पहचानता है? नहीं साहब, नहीं साहब, माँ कसम इसको कहीं नहीं देखा है। माँ कसम? हाँ। प्रमोद, इसके सारे पुराने केसेस की फाइल निकाल, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट तैयार करो, और अगले 10 साल तक जेल में तू गटर साफ करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। साहब बोला ना मैं, चल। साहब माँ कसम नहीं देखा, साहब साहब मैंने बोला ना नहीं देखा, साहब साहब नहीं देखा मैं, साहब। जा। थैंक यू सर। और सुन। जी सर। हाईवे के आसपास एक नया खिलाड़ी आया है जो महंगी महंगी गाड़ियों को गायब कर देता है। तेरे पास 12 घंटे हैं उसे ढूंढने के लिए, नहीं तो मैं तुझे ढूंढता हुआ आऊंगा। और जेल में एक गटर की सफाई करने वाले की जगह खाली है, समझा क्या? मैं समझ गया सर। हाँ, थैंक यू सर। सर, एक बात तो साफ है कि आप बाकी केसेस के जरिए ये आश्रम मिश्रा केस सॉल्व करने की फिराक में थे। इस केस के तार बहुत उलझे हुए हैं प्रमोद। दो लड़कियों को उनकी फैमिली का मर्डर करके उठाया गया था, एक तो बच निकली और दूसरी अभी भी गायब है। डेड बॉडीज का कुछ पता नहीं है, कार मिली नहीं है, मर्डर स्पॉट क्लीन है। ये कोई आम मर्डर या किडनैपिंग का मामला नहीं है। लेकिन सर, अब तो ये केस कुमार के पास चला गया है। शाम को ही आशा मित्रा के रिलेटिव आए थे FIR दर्ज कराने के लिए। तो ठीक है, कुमार केस सॉल्व करेगा, मैं तो बस उसकी हेल्प करूंगा। हेलो सर, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। हाँ, 10-12 का 10 भेज देना, 12-10 के। मनवारी यहाँ काम करता है? जी साहब। हुआ क्या साहब? है कहाँ वो? वो साहब बाहर काम कर रहा है। लेकिन हुआ क्या साहब? तुम में से मनोहर कौन है? सर, बहुत अच्छा धंधा है सर। हफ्ते में हम लोग ना एक गाड़ी तो साफ कर ही देते हैं, और जो स्पेयर पार्ट्स है ना, बम्पर, स्टीरियो, टायर, सबका अच्छा पैसा मिल जाता है ब्लैक मार्केट में। और सर, कोई गाड़ी MP के बाहर ले जाने वाला मिल जाए ना सर, तो हम पूरी गाड़ी बेच देते हैं। साहब मुझे नहीं मालूम था साहब कि मेरे गैरेज में ये सब चल रहा है। साहब ये बात पता है मुझे, नजर हटाओगे तो घटना घटेगी जरूर। गाड़ी की बात मुझे समझ में आई, ये बताओ वो लड़की कहाँ है जिसका तूने किडनैप किया था? साहब वो लाशें कहाँ है? सर कौन लड़की? सर कौन सी लाशें? सर, दूसरों का गुनाह मेरे माथे के थोपड़े। सर तूने खून नहीं किया? नहीं किया सर मैंने। फैमिली को गायब नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं मालूम सर वो कुछ भी। झूठ बोलता है? नहीं साहब। तेरे दोस्तों का ठिकाने बता। वो बताता हूँ सर। लेके चल। सर
यही वो जगह है जहाँ हर 10 दिन में हम लोग मिलते थे। तो फिर बुलाओ अपने साथियों को, हम भी मिलना चाहेंगे। पर सर उनसे अभी बात नहीं हो पाएगी सर, वो लोग ना अपने पास फोन नहीं रखते और डकैती के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रखते सर। इतने शातिर और फिसलू अपराधी बहुत कम है भोपाल में, उनसे मिलने में बहुत मजा आएगा। बुलाओ उनको। सर मैं कुछ करता हूँ, 2 मिनट में बात करके आता हूँ उनसे। अगर जरा भी होशियारी की ना तो गोली मार दूंगा, सच कह रहा हूँ। सर थोड़ा तो भरोसा करो सर। भैया वो आपको याद है हम लोग यहाँ पे 2 लोगों के साथ में आता था हमेशा, वहाँ बैठते थे हम लोग, टाइगर और चीता, वो लोग आए थे क्या? नहीं वो लोग नहीं। अच्छा कोई मैसेज छोड़ा होगा मेरे लिए ना? नहीं कोई मैसेज नहीं छोड़ा। ठीक है सर। सर वो लोग तो नहीं आए और मेरे लिए कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अब सर उनसे 8-10 दिन बाद ही कांटेक्ट हो पाएगा सर। अब पुलिस भी क्रिमिनल के टाइम टेबल पे काम करने लगी तो पूरा भोपाल लूट जाएगा सर। अरे नाम तो शेयर किया होगा उन दोनों ने। हाँ सर, एक का नाम टाइगर है और एक का चीता। अरे साहब 8 महीने पहले पहली बार आए थे और आगा उधम मचाने लगे। चाचा तेरे को तो बहुत चर्बी चढ़ी है ना? अरे चल निकल से तुम लोग। अबे जान प्यारी है तो निकल यहाँ से, मैं कुत्तों के सामने हड्डियां नहीं डालता समझे। अच्छा तेरी तो अबे गधे, जानवरों की पहचान नहीं है तुझे? ए टाइगर, मी चीता, बोटी कम खाते हैं नोट ज्यादा खाते हैं। टाइगर। अरे जियो चीते। हमको चाकू दिखा रहा, जानता है तू? चीते। अरे वाह साले, 10 दिन बाद फिर आएंगे, माल तैयार रखना। 10 दिन बाद चल। 10वें दिन हफ्ता लेने आते और इस आदमी के लिए भी मैसेज छोड़ के जाते थे। तुमने पुलिस को खबर नहीं की? अब साहब पुलिस वाले दिन रात तो यहाँ पहरेदारी करेंगे नहीं, और हाईवे पर ढाबा चलाना मतलब अपनी मुसीबत से खुद निपटना। तुमने पुलिस से जुर्म छुपाया और उसका अंजाम ये हुआ कि उन दोनों बदमाशों ने एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, एक लड़की को उठा के ले गए। अपराधियों से समझौता करना बेवकूफी है। जी सर। अगर किसी लाश को ठिकाने लगानी है तो कोई सेफ जगह है तुम जैसे बदमाशों के लिए? पर सर मैंने आपको पहले ही बोला मैंने खून नहीं किया सर, मैंने खून नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ। खून करता तो सर लाश को कहाँ ठिकाने लगाता? सर यहाँ पास में एक जंगल है, वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है सर। जल्दी आइए, लाशें मिल गई हैं। We'll be right back.
ये नकली चीता और टाइगर किसी आदमखोर से कम नहीं है। इनके लिए मौत की सजा भी कम है। मनोहर के बताए हुए विवरण के अनुसार स्केच तैयार है सर। ये लुटेरे ज्यादा दिन तक घुले में घूम नहीं पाएंगे। एम्बुलेंस को बुलाओ, लाशों को फोरेंसिक के लिए भेजो। सर आइए। देखिए आपको इनकी शिनाख्त करनी होगी। अंकल सर मैं नहीं देख पाऊंगी। देखिए ये शिनाख्त के लिए जरूरी है। हाँ सर ये महेश मिश्रा ही है। आपको इन्हें भी पहचानना पड़ेगा। नहीं सर, मैं नहीं देख पाऊंगी सर। सर ये स्केचेस आ गए सर। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरा केस लगभग सॉल्व किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे केस पर कब्जा करो। और इसकी शिनाख्त हो चुकी है और अब मैं मुझे मरे हुए लोगों से ज्यादा वो लड़की मीना जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है उसकी चिंता है, और मुझे तुम्हारा केस नहीं सॉल्व करना है, एक जान बचानी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस आशा, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? ये दोनों वो खूनी हो सकते हैं। सर, मैं उस दिन बहुत डरी हुई थी। मुझे किसी का चेहरा याद नहीं, मुझे कुछ याद है तो सिर्फ डर। बच्ची की हालत बहुत खराब है, ये भी कोई वक्त है सब सवाल पूछने का? चलो बेटी। सर, ये आशा ने उन लोगों को पहचानने से इनकार क्यों किया? कहीं ऐसा तो है कि ये उन्हें जानती है? इसकी बहन गायब है, परिवार वाले मुर्दा घर में, और ये खुलकर बात नहीं कर रही। सर लुटेरे अगर पूरब है तो ये आशा पश्चिम है। क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच में? दूर दूर के महादेशों को भी इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, और ये तो भोपाल में ही बिछड़े हैं। प्रमोद इन्वेस्टिगेशन की सुई को पश्चिम की तरफ घुमाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि आशा मिश्रा और ये गुमनाम आदमी का हाईवे ट्रिपल मर्डर से कोई लेना देना है? सर अभी तक हमारे पास बस यही सुराग है। सर तनुज, हाईवे ट्रिपल मर्डर की प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी तक मेरी टेबल पर आई नहीं है। सर अभी कोई सुराग मिला नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। ये देखो। सर जवान लड़की है, गरम खून है,
मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गौर करने वाली बात है। तनुज फौरन इस केस का चार्ज अविनाश को हैंड ओवर करो। तुम जा सकते हो। ओके सर। गुड वर्क अविनाश। गुड। थैंक यू सर। मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर है। तो आपको लगता है मैंने अपने माँ बाप को मरवाया है और अपनी बहन को अगवा करवाया है? इस शहर में इससे भी बदतर केस हैंडल किए मैंने। यही तो प्रॉब्लम है आप पुलिस वालों की, हर चलते फिरते इंसान को क्रिमिनल समझ लेते हो। औरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हें उन लुटेरों की शक्लें याद है, लेकिन तुम पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती। मुझे कोई बयान नहीं देना है। प्रमोद, इनकी जबान खोलने का नुस्खा लेके आओ। सर। पहचाना इसे? सम्राट। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। तुम अपना बयान यहां दोगी या तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाया जाए जहां तुम्हारी खातिरदारी होगी। डकैती वाले दिन क्या हुआ था जब वो दो डकैत तुम्हें और मीना को लेकर गाड़ी में गए थे? सर उस दिन वाह क्या काम किया है, किसी को शक भी नहीं होगा। तुम कहो तो इस काम को और भी ज्यादा खतरनाक और असली बना दे। मतलब अरे चोर! मतलब ये कि माँ बाप भी मर गए, चोर मुझे। और दोनों बेटियां भी गायब हो गई। चोर! पकड़ उसको, छुट्टी को पकड़। तो तुम दोनों का अफेयर चल रहा था? हाँ सर, हम दोनों के डैडी बिजनेस पार्टनर थे सर। बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ सर, उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर पैसे को लेकर ब्लेम करने लगे सर, और फिर दोनों फैमिलीज के अंदर दुश्मनी पैदा हो गई सर। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, दोस्ती दोस्ती। हाँ, लेकिन मैं इनके डैडी की बहुत इज्जत करता था सर, और वो भी मुझे बेहद पसंद करते थे सर, इसीलिए मैं उनसे मिलने यहीं इस घर आया सर। अंकल, मैं जानता हूँ कि आप बड़े लोग आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं और आशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी बेटी खूब जानती है चोर का बेटा चोर ही होता है, और तुमने यहाँ आकर साबित कर दिया कि तुम तो भरोसे के लायक भी नहीं हो। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी मासूम बेटी को बहकाया है, निकल जाओ यहां से। पापा ने मेरी सगाई दुबई में बसे एक दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी, फोन पर ही मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा फ्यूचर रेत में दफन कर दिया। ये दोनों लुटेरे तुम्हारे संपर्क में कैसे आए? खुफिया वेब ब्राउजर के जरिए। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ ड्रग से लेकर हिटमैन तक की डीलिंग गुप्त तरीके से होती है। तो तुमने ये दोनों लुटेरे विदेश से इम्पोर्ट किए? नहीं सर, वो कई महीने पहले से यहीं मौजूद थे। हमने खुफिया वेब ब्राउजर के जरिए उनसे कॉन्टेक्ट किया, और डील होने के बाद किसी तरह मैंने उन्हें पैसे पहुंचाए। फिर बिना ट्रैकिंग के हमने प्लानिंग की, और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। हाँ, लेकिन एक मासूम लड़की मीना को क्यों बलि चढ़ाया तुम लोगों ने? मीना मासूम? मीना मासूम नहीं है, मिले हो उससे? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि इस खेल में मीना बिल्कुल भी बेकसूर नहीं है, उसके खुद के मंगेतर और मम्मी पापा को मारने की प्लानिंग मीना की ही थी। मीना क्यों? मीना
मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन पापा ने यूएस के एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ उसकी शादी तय कर दी अपने बिजनेस के लालच में। इसीलिए गोविंद इंडिया आया था, लेकिन मीना को गोविंद बिल्कुल पसंद नहीं था। ये गोविंद ने ना मेरा भेजा आउट कर रखा है, टिपिकल NRI है। यूएस की ना उसे टॉयलेट भी A+ लगती है, लेकिन यहाँ की सारी चीजें सब स्टैंडर्ड। मुझे मिलाकर मेरी बातें भी उसे डाउन मार्केट लगती हैं। यार ये सब ना हमारे पापा की गलती है, वो हमें इंसान नहीं अपने बिजनेस का मोहरा मानते हैं। मैं सम्राट के अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकती। मुझे मुंबई की टॉप मॉडलिंग एजेंसी से ऑफर आया है, वो मुझे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी यार, पर मम्मी ना सिर्फ पापा की बातों पे हामी भरती हैं। क्या करें, हम फंस गए हैं यहाँ। काश जिंदगी वीडियो गेम की तरह होती, कोई भी अवतार चुनो, कोई भी हथियार चुनो और खूब गोलियां बरसाओ। काश आई कुड किल माय पेरेंट्स। लेकिन मीना खुद अपने जाल में फंस गई। प्लान के मुताबिक उन लुटेरों ने मीना को रिहा नहीं किया। लेकिन सर अब वो लोग हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है, मीना का क्या हाल किया होगा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई, पुलिस को गुमराह किया, क्योंकि तुम्हें मीना की इज्जत से ज्यादा खुद से प्यार था। लेकिन सर प्लीज कुछ कीजिए सर, मेरी बहन को बचा लीजिए उन दरिंदों से। भेजा इन दोनों को। ये रहा हाईवे और ये है बाईपास रोड। ठीक है, घटना यहां कहीं घटी। ये दोनों आशा और मीना को लेके इस तरफ दौड़े, इस तरफ कहीं। टाइगर और आशा यहां उतरे, आशा इस तरफ भागी छुपने के लिए गांव में, और यहां से आगे कुछ नहीं है जंगल के अलावा। इसका मतलब कि वो गाड़ी टाइगर वापस बाईपास पर लेकर आए, क्योंकि चीता को टाइगर के साथ मिलके लाशों को ठिकाने लगाना था और गाड़ी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसे गैराज लेके जाना था, और वक्त कम था। इसलिए मीना को यह घटना स्थल और इस गैराज इन दोनों के बीच में ही छुपाना पड़ा होगा। हाँ, छुपाया होगा मीना को। टाइगर को गन्ना चूसने का बहुत शौक है और आसपास कोई गन्ने का खेत नहीं, जानते हो प्रमोद मीना को कहां छुपाया होगा? कहां सर? छुपे हूँ बदमाश। साहब वो अंदर है सर। आ गया, आइए सर। मेरे दिल आ गया तुझ पे। अरे यार ओए मजनू, बंद करना अपनी मजनूगिरी, चैन से सोने नहीं देता तू। अरे इसके पास तो चैन मिलता है। साहब वो पीछे खोली में छुपे हुए हैं, लेके जाओ इसको। आज मेरा शिकार करने का बहुत मन कर रहा है, हिलना मत नहीं तो गोली चल जाएगी। ले जाओ दोनों को। सब मत मैडम खोलो इसको। थैंक यू सो मच, मुझे बचा ली। वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है अपने माँ बाप और होने वाले पति गोविंद को मारने के जुर्म में। यू आर अंडर अरेस्ट। तकलीफ के हर मोड़ पर बच्चों का तन मन और धन से साथ देने वाले उनके माता पिता होते हैं। आज के केस में हमने देखा कि कैसे दो बच्चों ने अपने माँ बाप को जान से मार दिया। अगर परिवार में एक दूसरे के ख्यालात नहीं मिल पाते तो उसका यह मतलब नहीं कि कोई हिंसा और हत्या पर उतर आए।
जुर्म किसी भी समस्या का हल नहीं, सिर्फ अपने भविष्य का अंत होता है। याद रखिए, कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स देश भर में आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।